हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई टी स्टेटिंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा अभी विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। निर्देश दिए गए हैं आपको, तो आपको एक बार रीड करने हैं किस प्रकार आपको क्या दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट रहेगा, प्रश्न फर्स्ट, सभी विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला रहेगा, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है, तो इसमें आपका रहेगा शाह आदर। इसके बाद है कबीर कर्मकांड के विरोधी हैं, इसमें आ हो जाएगा आपका। इसके बाद हम थर्ड देखने वाले हैं। इसका क्वेश्चन है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्रा होती हैं, तो इसका आ हो जाएगा आपका 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं, तो वर्गों के सार्थक योग को इसमें हो जाएगा शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है आपका ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए, तो किन में पहुंच गए, इसमें हो जाएगा बैल में। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, शहाब हो जाएगा इसमें आवाला। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है आपके रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखने हैं आपको। तो पहला है छत चढ़ने के लिए चाहिए, तो इसमें आपको दोनों सेम दिए हैं जीना, तो इसमें से आप कोई एक कर सकते हो। रस खान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो पर्वत का ही बने, किस पर्वत का बने, तो इसमें हो जाएगा आपका गोवर्धन पर्वत का बने। काव्य के भेद हैं तो दो हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सम्माननीय व्यक्ति। इसके बाद आपका इसका रहेगा, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं, तो बड़बोला कहते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सातवां, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, तो इसमें आपका तो इसका आपका होगा, इसमें इसका डाउट है, आप अपने अनुसार देख लें क्या होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा लिखते हैं, इसमें आएगा आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर देखते हैं, इसमें सही जोड़ी दी गई है आपको, 6 सही जोड़ी दी गई हैं आपको, इनके देखते हैं हम। कैदी और कोकिला, तो इसका हो जाएगा आपका माखनलाल, ये हो जाएगा डावाला माखनलाल चतुर्वेदी। तो पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसका हो जाएगा आपका उपमा अलंकार है। दो बैलों की कथा, तो इसमें आ जाएगा आपका अच्छा वाला प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र के फटे जूते, तो इसमें आ जाएगा आपका हरिशंकर परसोई। बादल, तो इसमें आ जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत। मेरे संग की औरतें, तो इसमें आ जाएगा आपका मृदुला गर्ग। ये आप किस प्रकार थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक फोर्थ वाला, सत्य सत्य बताने, हमें सही गलत बतानी है। तो पहला है रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। प्रेमचंद्र के जूते फटे थे, सत्य। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका लोकोक्ति का अर्थ, लोक में प्रचलित उक्ति, तो ये भी सत्य है आपका। इसके बाद हम इसका लास्ट वाला है, नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द में उत्तर देखेंगे हम। कैदियों के हाथों में क्या होता था। वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। कबीर अगला हो जाए, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, इस प्रकार आपके एक शब्द में उत्तर थे। इनके आंसर आप इनके आंसर देखिए, अगर आपको आंसर नहीं मिलते तो हम इस पर पार्ट सेकंड बताएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के आपको पूरे आंसर बताए जाएंगे। तो चलिए अगला आंसर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का
सानिध्य क्यों प्राप्त करते हैं? इसके अथवा में मिलेगा आपको कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? पद साहित्य के इतिहास को कितने काल विभाजित किया गया है? नाम लिखना है। इसके अथवा में मिलेगा आपको भक्ति काल के दो कवियों एवं उनकी रचनाएं बतानी है आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है रसकांड के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखनी है। इसके अथवा में मिलता है आपको माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषताएँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलता है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके बाद आपका आता है इसके अथवा मिलेगा आपको शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। 10वां है तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको तत्सम लिखना है। इसके अथवा में मिलेगा आपको मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर बनानी है आपको, जो दिए गए हैं आपको इनको जोड़कर बनाना है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसके अथवा में है आपका आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया नाटक और एकांकी में दो अंतर बताइए। इसके बाद अथवा में आता है इसके अथवा कहानी और उपन्यास, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको वार्षिक पेपर में भी और त्रैमासिक में भी बहुत ही आपको देखने को पेपर में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाटक एवं एकांकी में दो अंतर, कहानी एवं उपन्यास में अंतर। तो इस प्रकार अगला हो जाएगा आपका 13वां हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली बतानी आपको, अथवा में मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आपका अगला आता है निपात शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। ब्लॉम शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद आपका अगला 15वां आता है मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसके बाद आपका अथवा हो जाएगा इसमें लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? 16वीं में पूछा गया रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। अथवा में मिलेगा आपको अलंकार का अर्थ स्पष्ट करना है, रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण से बतानी है आपको। 17वीं में आपको मुहावरे पूछे गए हैं जो कि आपको इस प्रकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दो मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद, आपको एक पत्र लिखना है। इसके बाद आपको अथवा में मिलेगा बस या रेलगाड़ी में से जिसमें आपने यात्रा की हो उस यात्रा पर एक अनुच्छेद लिखना है अपने शब्दों में। इसके अथवा में मिलेगा आपको अपठित गद्यांश मिलेगा 19वें प्रश्न में जो आपको इस प्रकार दिया गया है मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा, गांधी जी को है। इस प्रकार आपका ये 19वां क्वेश्चन रहेगा, पठित गद्यांश पूछा गया है। इसके क्वेश्चंस आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएंगे। फिर ये इसके अथवा में रहेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा था कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पैटर्न और पेपर किस प्रकार आएगा, तो आप देख सकते हो इसमें इस प्रकार रहेगा आपका। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के और वीडियो का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।